ओम शांति। अपने दिव्य अनुभूति के नेत्र द्वारा स्वयं को देखें। आत्मा बिंदी को देखे, अनुभूति के नेत्र द्वारा आत्मा बिंदी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आवाज से परे जाकर अपने सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार को एक बिंदु में समेट ले। विस्तार रूपी वृक्ष की अनेक शाखाओं को बीज में समेट ले। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखा, देह के पदार्थों के बंधन की शाखा, विकर्मों के बंधनों की शाखा, कर्म भोग की शाखा, इन सभी शाखाओं के सारे विस्तार रूपी वृक्ष को बीज में समेट ले। सभी बातों को बिंदु लगाकर बिंदु रूप बन जाए। बिंदु बन बिंदु शिव बाबा की याद में समा जाए। शिव अर्थात बिंदु, शिव अर्थात बीज, बीज बाबा से लगन लगाकर लगन की अग्नि से सारे विस्तार रूपी वृक्ष की शाखाओं को भस्म कर दे। हिसाब किताब का विस्तार रूपी वृक्ष लगन की अग्नि से समाप्त। देह,
देह के संबंध, देह के पदार्थों का विस्तार खत्म हो गया और बाकी रह गया मैं बिंदु आत्मा। मैं बीज आत्मा, अब बिंदु बन, बीज स्वरूप बन, उड़ चले बीज रूप बाबा के पास, बिंदुओं के देश में। सेकंड में मूल वतन पहुंचकर अनुभव करे मैं आत्मा बीज रूप अनादि स्थिति में स्थित हूं। बिंदु बन, बिंदु बाबा के साथ हूं। मनुष्य सृष्टि के चैतन्य बीज शिव बाबा के साथ, ये कितनी शक्तिशाली अवस्था है। मैं मास्टर बीज रूप पूर्वज आत्मा, सर्वशक्तिवान बीज रूप शिव बाबा की किरणों के नीचे लाइट हाउस स्थिति में चमक रहा हूं। बाबा की किरणों में स्नान कर मैं आत्मा सातों गुणों से सर्व प्राप्ति संपन्न बन रहा हूं। अनुभव करे मैं मास्टर बीज रूप आत्मा सारे कल्प वृक्ष की, हर धर्म की करोड़ों आत्माओं को ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, आनंद और पवित्रता रूपी गुणों का जल प्रदान कर रहा हूं।
सृष्टि कल्प वृक्ष की सर्व आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई है। और मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूं। हर एक आत्मा मुझ निमित्त मास्टर बीज रूप आत्मा द्वारा सर्व परमात्मा गुणों से भरपूर हो रही है। बीज रूप बाबा से कंबाइंड बीज रूप स्थिति में स्थित मुझ आत्मा के पवित्र प्रकंपन पृथ्वी लोक पहुंचकर प्रकृति के पांचों तत्वों को संपूर्ण पावन बना रहे हैं। मूल वतन में बीज रूप बाबा के साथ बीज रूप स्थिति का अनुभव करके साकार वतन लौटकर मुझ आत्मा को अलौकिक अनुभूतियां हो रही है। चलते फिरते उठते बैठते बातचीत करते अलौकिक अनुभूति। बीज रूप स्थिति के अभ्यास से अब ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों बिल्कुल अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। मुझ आत्मा को चलते फिरते न्यारेपन का अनुभव हो रहा है। चलते फिरते उठते बैठते बातचीत करते
यही अनुभूति की इस शरीर से अलग मैं आत्मा हूं। आत्मा और ये शरीर दोनों अलग है। ये शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाला मैं चैतन्य आत्मा हूं। जब चाहे देह रूपी वस्त्र को धारण किया, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे, देहभान से न्यारी स्थिति में स्थित इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाला मैं आत्मा हूं। मैं चैतन्य हूं। मैं मालिक हूं। मैं इस शरीर से हूं ही अलग। शरीर से न्यारेपन का स्पष्ट अनुभव। शरीर से न्यारेपन की अनुभूति। बीज रूप स्थिति के अभ्यास से मैं बुद्धियोग द्वारा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव कर रहा हूं। चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव। मैं आत्मा एवर रेडी हूं। साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा यही अनुभव कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हूं। मैं आत्मा मूल वतन में बाबा के साथ हूं।
साकार वतन में रहते बाबा के साथ सूक्ष्म वतन रहने का अनुभव। बाबा के साथ मूल वतन रहने का अनुभव। सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी सेकंड में मूल वतन वासी सेकंड में साकार वतन वासी होकर कर्मयोगी बन पाट बजाना। अभी अभी यहां अभी अभी वहां ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे सेकंड में एक कमरे से निकल दूसरे कमरे में चले गए हो। साकार वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा विकारों की आकर्षण प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज का अनुभव। डबल लाइट रूप का अनुभव। सर्व आकर्षण से परे ऊंची स्थिति। सर्व आकर्षण से परे उड़ने की अनुभूति। उड़ती कला का अनुभव। उड़ती हुई स्थिति का अनुभव। जैसे चलते फिरते उड़ रहे हैं। बाबा भी बिंदु मैं आत्मा भी बिंदु दोनों साथ साथ जा रहे हैं। दोनों साथ साथ उड़ रहे हैं। शांति।